यह भी मुझे जानकारी मिली है, या धर्मांतरण तेजी के तौर पर, यह भी एक चिंता का विषय है। प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन क्यों किया जाना चाहिए, क्या मिल जाता यदि हमारी सरकार बनी, हम इस धर्मांतरण पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। मेरे बहनों भाई, धान की खरीद हो रही है कि नहीं हो रही है? धान की खरीद खत्म। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम लोगों की सरकार मेरे बहन भाइयों यहां आप बना देते हैं, अब बनने जा रही है, बात लगभग पक्की हो गई है। पहले चरण के चुनाव के बाद से ही ये बात पक्की हो गई है कि आप हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। सरकार यदि हमारी आप बना देते हैं तो 3,100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से हम आपका धान खरीदेंगे, और प्रति एकड़ 21 क्विंटल आपका धान खरीदेंगे। मेरे बहन भाइयों, यह भी आपको भरोसा दिला, जैसा मैंने कहा गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर तो देंगे। कांग्रेस ने आपके ऊपर कर्ज का बोझ लाद दिया है। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार बनती है तो इस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति दिलाने की भी हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यह बताइए, यहां सारे किसान बैठे हैं, मोदी जी ने हर परिवार का खाता बैंकों में खोल दिया प्रधानमंत्री बनने के साथ। आप लोगों का खाता सबका बैंकों में खुला है कि नहीं खुला है? इधर जो खड़े हैं खुला है, इधर है खड़े हैं खुला है। जिनका न खुला हो, हमारी सरकार बनने के 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर सबके खाते बैंकों में खोल दिए जाएंगे। हर किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया मोदी जी मुहैया कराते हैं, 6,000 रुपये उनके खाते में सीधे आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपया आपके बैंक में खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? इधर के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके बैंक के खाते में पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? कि पहुंचता है यहां कि नहीं पहुंचता? बहन भाई, पहली बार किसी ने इस काम को किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को किया है कि आपके बैंकों में अब यह पैसा पहुंच रहा है। हम लोगों ने और भी कई फैसले किए हैं, भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपया हर साल हम लोग देंगे, गरीब महिलाओं को 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात मैंने कही, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप लोगों को दवा दारू का लाभ मिलता है कि दारू का नहीं दवा का, चिकित्सा का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? यहां मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। गरीब परिवारों को बहनों भाइयों, यदि वह बीमार हो जाते हैं तो 5,00,000 रुपए तक का 1 साल का मुफ्त इलाज किया जाएगा, और 1 साल में भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो दूसरे साल भी तीसरे साल भी 5,00,000 रुपए का उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना। कई ऐसी योजनाएं, और हम लोगों ने तो अभी तय कर लिया, गरीब परिवार में भी लड़की पैदा हो गई, लड़की पैदा होते ही एक गारंटी कार्ड दे दिया जाएगा उनको कि लड़की जब शादी करने की योग्य होगी तो उसके खाते में 1.5 लाख रुपये। कई ऐसी योजनाएं हमारी पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार यहां बनने के बाद हम प्रारंभ करेंगे। इसलिए मैं बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने आया हूं कि आप कभी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, और जहां तक हमारे प्रत्याशी रामकुमार जी का प्रश्न है कि पूर्व सैनिक, इसलिए मैंने सोचा कि हमारा पूर्व सैनिक का चुनाव चल रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो इस देश के रक्षा मंत्री को ही उसकी कन्वेंशन के लिए जाना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आया। और मैंने भाइयों, आज देश की हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे बहादुर जवानों के कारण ही सुरक्षित है। आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, आए दिन आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते, ऐसे ही मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
उन्होंने एक बार जरूरत की, भारत की सीमा में प्रवेश कर गए और रात के समय हमारे कुछ सेना के जवानों को मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों की बैठक बुलाई, उस समय मैं भारत का गृहमंत्री था, बैठक बुलाई, 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के बहादुर जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह ऐसी मजबूत सरकार, ताकतवर सरकार, रामकुमार टोप्पो यह पूर्व सैनिक है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर इन्हें चुनाव के मैदान में उतारा, बहुत सोच समझ कर उतारा। बोलते भी अच्छा है रामकुमार टोप्पो, देखने में भी ठीक ठाक है। बहनों भाइयों, उनको चुनकर भेज दीजिए, भेज देंगे पक्का। इधर के लोगों से मैं पूछना है पक्का, लेकिन मैं चाहता हूं रामकुमार टोप्पो को एक बार रिकॉर्ड मत उसे विजय दिलाकर भेज दीजिए, रिकॉर्ड मत। और मैं रामकुमार टोप्पो को कहूंगा कि रामकुमार जीत जाने के बाद एक बार कभी साल डेढ़ साल दो साल में मुझे फिर से यहीं पर बुला लेना, यहां की जनता का दर्शन करने के लिए मैं आना चाहूंगा। और यदि मैं दोबारा आना चाहूंगा, बुके लेने के लिए नहीं आना चाहूंगा, फूलों की हार पहनने नहीं आना चाहूंगा, यदि मैं दोबारा यहां पर रामकुमार टोप्पो को जीतने के बाद आना चाहूंगा, यदि रामकुमार ने बुलाया तो, यदि यहां पर आना चाहूंगा तो मैं शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी अभी बताया गया है कि तीन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है, काफी लोग हैं। एक राजू राजवाड़े, बलवंत गुप्ता और अजय प्रजापति, संदीप गुप्ता और इनके साथ 58 और लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।